بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. सदक अल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म दी हमदो सना तारीफात तमहीदात तमजीदात अल्लाह रब रहमान रहीम करीम वास्ते। अल्लाह वहदहु ला शरीक दी बड़ी ही मुख्तसर हमद सना तारीफ तो बाद दुरुदो सलाम सैयदु सकालैन इमामुल किबलातैन इमामुल हरमैन इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्ना। मेरे अदसा अहबाब दे दिलां दी धड़कन जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम दी जात ग्रामी वास्ते होन। हजरात इंशाअल्लाह रहमान 15 मिनट का टाइम मिले है तो इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करागा कि 15 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू नूं समेटा। पहले तो अल्लाह की रहमत दे नाल वैसे मेरा मौजू और सी तो शायद मेरे बड़े ही प्यारे भाई मलक अफजल साहब फरमान लगे कर सब जरा मिठा जिया तो अगे आए तो मजीद अल्हम्दुलिल्लाह टाइम भी कम हो गया तो इंशाल्लाह बहरहाल कोई दाल मंडा करागे। तो बहरहाल मेरे उस्ताद भी बैठे ने अल्लाह की रहमत दे नाल हजरत मौलाना कारी यहिया साहब हाफिज़हुल्लाह और इसी तरह मेरे चाचू भी ने डॉक्टर कुदरतुल्लाह साहेब। अल्हम्दुलिल्लाह जिधर भी मैं देख रहा मेरी तकरीबन तकरीबन सारी बरादरी पूरा कोटली कह रो अल्हम्दुलिल्लाह कि आज बुलंदी दे अंदर है तो मेरे लिए इंशाल्लाह बड़े ही शरफ और एजाज दी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह नाज़मे आला तहसील कसूर मौलाना अब्दुर्रशीद सलफी साहब भी तशरीफ ले आ चुके नारे तकबीर हजरत मौलाना अब्दुल रशीद सलफी साहब जी। 53 तो शुरू हो गया टाइम टाइम निकल गया। हां जी हां जी आज मेरा होन टाइम इंशाल्लाह शुरू है क्योंकि नाज़मे अल्लाह साहब आ गए सी टाइम निकल गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह और उस तो बढ़ के मेरे लिए इजाज़ दी बात जिथे नाज़मे अल्लाह तहसील कसूर ने उदे नाल नाल मेरे बड़े भाई अल्हम्दुलिल्लाह नाजम मरकजिया थाना शेखम कारी सलीम उस्मानी साहब वो भी तशरीफ फरमाने। तो जारी बात इन्ने जदों उलमा भी होन रिश्तेदार भी होन उस्ताद भी होन ते सबक सुनाना मेरे ख्याल च मुश्किल जिहा हो जांदा है तो इंशाअल्लाह बहरहाल तुसा अहबाब दी मुहब्बत है आओ तवज्जो फरमाना। मैं जो अल्लाह दे कुरान चो मुकाम पढ़िया है नोट फरमाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुरान च ना इंसान नु इस बात तो आगाह कर रहे ने कि ए इंसान नेक अमल
कर, नेक अमल कर और जन्नत हासिल कर। जन्नत के लिए आओ तवज्जो फरमाना। वो जन्नत इतनी अजीम है कि जिंदे 100 दर्जे सिर्फ अल्लाह ने लिल मुजाहिदीन मुजाहिदीन वास्ते तैयार किए हैं। और उनका फासला कितना है हर दर्जे का एक दूसरे तो, जिवें जमीन और आसमान दा, जिवें जमीन और आसमान दा। अल्लाह अकबर। ते अल्लाह दे नबी प्यारे महबूब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ इंसान जिदो तो अल्लाह दे कोलो जन्नत दा सवाल करना है, कल्ला ए नहीं कहना कि अल्लाह मैनू जन्नत दे दे, बल्कि अल्लाह दे कोलो जन्नतुल फिरदौस दा सवाल करना है, क्योंकि ए जन्नत सारे दर्जियां नालो अजीम दर्जा है। जिन्निया जन्नत दे अंदर नहरां चल दिया ने यार, इस जन्नत उल फिरदौस तो चल दिया ने, इसे मुकाम तो शुरू हों दिया ने। और ए जन्नत उल फिरदौस वाला जेड़ा मुकाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन दे अर्श दे बिल्कुल करीब, अल्लाह दे अर्श दे कोल करीब है। आओ ना जन्नत जाना किन्ना लोगा ने, चार तबके जन्नत दे अंदर जान वाले ने, जिन्ना चो दो तबके अजीम ने, दो लोग अजीम ने, दो लोग जिहड़े दरमियाना रवि ने, यानी अपने गुनाहां दियां सजावां लैके जाणगे। आओ ना अल्लाह दा कुरान नक्शा खिंच रहा, टाइम मुख्तसर है, मैं कुरान सुनांदा जावांगा, तर्जमा फिर इंशाल्लाह उधार। आओ सूरतुल वाकिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुरान पहले लोगों का तज़किरा कर रहे ने, अस्वाबिकून पहली किस्म लोग ओ ने किस्म लोगों की जिन्हें जन्नत अंदर जाना है, जेड़े नेकी दे अंदर सबकत लैन वाले ने, नेकी दे मैदान दे अंदर अगे निकल जान वाले ने। अल्लाह दा कुरान बोलता जा रहा है वस्साबिकून साबिकून उलाइकल मुकर्रबून फी जन्नतिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन अला सुरुरिम मौजूना मुत्तकीन अलैहा मुतकाबिलीन यतूफु अलैहिम विल्दान मुखल्लदून बिअकवाबिन व अबारिक व कासिम मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा व ला युन्ज़िफून व फाकिहतिम मिम्मा यतखय्यरून व लहमि तैरिम मिम्मा यश्तहून وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون यारो पहला अजीम शख्स होए, पहले अजीम लोग ओने, जिन्ना जन्नत दे अंदर जाना है, नेकी दा कोई भी कम नजर आया है, नेकी दा मैदान कोई भी नजर आया है, उस मैदान जीत के लै गया है, यानी नेकी दे अंदर सबकत हासिल करदा है, नेकी दे अंदर पहल करदा है, नेकी दा कोई भी मौका मिलिया है, कोई भी नेकी दा मुकाम आ गया है, ओनू अपने हथों खाली जान दिता नहीं जान दिता, उस मौके तो फायदा उठाया, हर नेक अमल कीता ए वसाबिकून इन्हां नूं किया गया, ए आला दर्जे दी जन्नत दे अंदर जाणगे, बगैर हिसाब तो इंशाल्लाह जाणगे। आओ दूसरी किस्म केड़ी है, अल्लाह दे कुरान ने ऐलान कीता, यार मैं नहीं जे कह रहा सूरा वाकिया ये, अगे जाके अल्लाह दा कुरान तज़किरा कर रहा है, उन्हां लोगों नूं
اصحاب الیمین کیا گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ آنا نوٹ فرمان دے جایا جے اللہ دا قرآن بول رہے ہیں واصحاب الیمین ماما اصحاب الیمین درم مخزود و تلہم منزود و ذلہم ممدود و مائم مسکوب و فاکہت کثیرا لا مقطوعت ولا ممنوع و فرش مرفوع اللہ دے قرآن نے دوسرے لوگاں دی جڑی قسم بیان کیتی ہے جنت دے اندر داخل ہو والے او لوگ اصحاب الیمین نے او لوگ اصحاب الیمین نے یار اے دو اعلی قسم دے لوگ نے جنہاں نے جنت دے داخلے ملنے نے جنہاں نے جنت دے اعلی درجات ملنے نے اللہ اکبر اللہ آؤ نا آگے ذرا چلیے میں ترجمہ نہیں کر رہا اگر ترجمہ کیتا جائے اللہ دے قرآن دی ایک ایک آیت رب محمد دی قسمیں میرا ایمان اور عقیدہ ہے اگر کوئی بھی عالم ہوئے کوئی بھی خطیب میرے مسلک دا ہوئے کوئی بھی میرے مسلک دا ترجمان ہوئے اینا آیات دا ترجمہ اگر صحیح طریقے اندر کیتا جائے اور اینا دی تشریح نو سمجھایا جائے اندے واسطے وقت چاہیے اندے واسطے ٹائم چاہیے اندے واسطے 15 منٹ نہیں اندے واسطے رب محمد دی قسم ہے پوری رات ترکارے لیکن اینا دی تشریح پھر بھی نہیں مکے گی کی خیال ہے ناظم اللہ صاحب ادھر بھی ناظم اللہ صاحب اللہ اکبر اللہ آپ توجہ فرمائیے اور تیسری قسم لوگ آؤن اللہ دا قرآن سورہ اعراف نکل آئیے اللہ رب العالمین اپنے قرآن کی فرما رہے ہیں وبینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلن بسیماہم یار تیسری قسم دے لوگوں نے جنہاں نو جنت دے داخلے ملنے نے جنہاں نو جنت دے داخلے ملنے نے لیکن فوراً نہیں فوراً نہیں ہے متقی نے بھی ہے ایمان والے نے عقیدہ توحید والے نے لیکن جنت ڈائریکٹ جا سکتے نہیں بریک لگے گی رکن گے کیوں انہ دے گناہ اور نیکیاں برابر نے انج کہہ رو کہ 50% ان دونوں چیزوں دونوں چیزاں 50% نے وہ سابقوں لوگ نیکیاں چ اگے سبقت حاصل کرنے والے اصحاب الیمین او لوگ نے جنہ دیاں نیکیاں گناہاں تو زیادہ نے گناہ کم نے نیکیاں زیادہ نے اصحاب الاعراف او لوگ نے جنہ دے گناہ اور نیکیاں برابر نے اونے گناہ نے اونیاں نیکیاں نے اینا لوگاں نو اصحاب الاعراف دے مقام تے روک دیتا جائے گا میں حدیث دے اندر پڑھ رہا ہوں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اینا دے برابر ہون دی وجہ تو آجڑی سجی سیٹ چمک دی ہوئے گی دمک دی ہوئے گی نیک عمال دی وجہ تو کھبی سیٹ جڑیے یارو گنامہ دی وجہ تو بدبودار ہوئے گی گندی ہوئے گی حالت بدلی ہوئے گی اللہ رب العالمین انہوں اصحاب الاعراف آل مقام تے روک دیں گے پھر جدو اللہ چاہے گا رب العالمین چاہے گا اللہ جدو چاہنگے او دو انہوں جنت دے داخلے عطا فرمانگے اور اللہ رب العالمین دے قرآن نقشہ کھچیا ہے انہاں لوگاں دے بارے تذکرہ فرمایا ہے اصحاب الاعراف دے بارے دے اندر ایک کہن کے قالو ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین
जिहड़े ज़ालिम लोग जहन्नम वाले नजर आ रहे ने सानू इन्हां कोल ना पहुंचाई, सानू इन्हां कोल बचा के जन्नत दे दाखिल। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसला कर दे। चार मिनट होए ने, 53 मिनट ते गुफ्तगू शुरू हुई, वैसे 51 मिनट ते बैठे अजे टाइम मेरा बाकी 15 मिनट दा है। आखिरी बात है, आखिरी बात बहरहाल आओ तवज्जो फरमाना। ए असहाबुल इराफ ने आखिरी बात मैं मुकम्मल करा। आखिरी किस्म दे लोग ओने जिन्ना दे गुनाह ज्यादा ने नेकियां थोड़ियां ने, नेकियां थोड़ियां ने गुनाह ज्यादा ने। यारो कुरान दी इन आयात तो पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जरा म्यार रखे है ना 33-40% नहीं रखे बल्कि 60%। म्यार 60% जन्नत के अंदर जान वास्ते 60% नंबर चाहिए ने। ओ बंदे कामयाब ने जिन्ना दे 60% नंबर होंगे, ते जिन्ना दे 50% होए कामयाबी कोई नहीं। धक्के लैके गए, ठुडे खा के गए, ते की गए। अल्लाहु अकबर। आओ ना ए जेड़े चौथी किस्म दे लोग ने आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जग्गा दे पीर ने फरमाया, आमिना दे लाल ने फरमाया, इन्हां दे गुनाह ज्यादा ने नेकियां थोड़ियां ने, इन्हां नूं जहन्नम दे अंदर चले जाएंगे, सुट दिता जाएगा। बिल आखर जदों अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहंगे इन्हां नूं ठुड्या खांदियां नूं लित्र पाला होंदियां नूं जहन्नम दे अंदर साड़दे पालदियां नूं जहन्नम चो कढ़ंगे, ते जदों जहन्नम चो बाहर आंगे फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हां नूं चश्मा हयात दे अंदर सुट्टणगे। चश्मा हयात दे अंदर सटणगे, जदों चश्मा हयात जाणगे इन्हां दा सड़िया ते गलिया जिस्म अल्लाह रब्बुल आलमीन दुरुस्त फरमा देंगे। तो मैं हदीस च पढ़ रहा सा, जिहड़े इन्हां लोगां जन्नत जाना ना, एक इन्हां विचों ऐसा भी होना जरा आखरी जन्नती, आखरी ओ जन्नती इस अंदाज च जाएगा जदों अल्लाह रब्बुल आलमीन नूं जहन्नम चों कढ़णगे ते पिछन मुड़ के वेखेगा अगवन ने और कहेगा अल्लाह तू ही मेरी ओ जात है जिन्ने इस जहन्नम दी अग तो मैनू निजात दित्ती। तो सामने एक दरखत होगा, सामने एक दरखत। सही मुस्लिम दी हदीस, सिर्फ तर्जमा और मेरी बात मुकम्मल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों ए दरखत नूं वेखेगा बेसबरा हो जाएगा, अल्लाह आ जिहड़ा दरखत नजर आ रहा हरिया भरिया बड़ा खूबसूरत दरखत है, मैनू इस दरखत थले पहुंचा दियो। बहरहाल बात मुख्तसर, अल्लाह रब्बुल आलमीन नाल कुछ मुआदे होंगे, मुआदियां तो बाद अल्लाह इंसान दी बेसबरी नूं देख करके उस दरखत दे थले पहुंचा देंगे। ए इंसान इस दरखत दा पानी भी पीवेगा और साए तो भी फायदा उठाएगा। सही मुस्लिम सवाल नहीं करागा, बहरहाल दूसरे दरखत थले भी चला जाएगा, तीसरे दरखत थले भी ऐसे ही तरह पहुंच जाएगा। जो तीसरे थले पहुंचेगा उस तो बाद जन्नत, ये जन्नत के दरवाजे दे गया। फिर जन्नत दी जो खुशबू आवन हुले आवन ते किंज हो सकदी आखे के अल्लाह हुन बस बुलंदी उताड़ वाले हो कोटली दे बासियो, फिर कहेगा अल्लाह जी आ जड़ी जन्नत जिंदे तरह तरह दे मेवे नजर आ रहे ने, बगात नजर आ रहे ने, मिठियां मिठियां हवावां आ रही ने, खुशबुआं आ रही ने, अल्लाह इंदे अंदर भी पहचा दे, अल्लाह पाक उंदे च दाखला अता फरमा देंगे। अल्लाह फरमानगे जा मेरे बंदे तेनू इन्ना ही मेरी रहमत ते यकीन है, मैं तेनू जन्नत दे सर्टिफिकेट दिते
अल्लाह पाक जन्नत अता कर देंगे और इंशाल्लाह ये चार किस्म दे लोग जन्नती और जाना एवें एवें जिवें जिवें दस दिता कुरान इंशाल्लाह रहमान। तो आखिरी मेरा पैगाम है मरकजी जमीयत अहले हदीस दा अल्लाह दी रहमत दे नाल नाज़ में अल्लाह बैठे ने वादा करो अल्लाह दे घर च बैठे हो कि इंशाल्लाह आप दी जमात दे नाल मुखलस होके चलोगे अपनी कियादत नाल मुखलस हो। अगर तुसी रब्बे मुहम्मद दी कसम है मुखलस हो गए नाज़ में अल्लाह साहब मैं पूरी तहसील दी बात नहीं करागा। पूरी तहसील बहुत बड़ी है आठ थाने ने सिर्फ तहसील दी बात नहीं करागा सिर्फ थाने दी बात करागा थाना शेख मुतहद हो जाए इंशाअल्लाह रहमान मुल्क पाकिस्तान के अंदर खत्मे नबुव्वत दे कोई भी टाका नहीं मार सकेगा असमते सहाबा दे कोई भी बकवास नहीं कर सकेगा और इंशाअल्लाह वाहिद जमात मुल्क पाकिस्तान दी सरजमीन ते खत्मे नबुव्वत दी आवाज उठाए मरकजी जमीयत उठाए असमते सहाबा दी आवाज उठाए मरकजी जमीयत उठाए लोगों रफाए अम्मा दी बारी आए मरकजी जमीयत आवाज उठाए हर प्लेटफॉर्म ते हर मुकाम ते हर लिहाज के अंदर मेरी जमात मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान अल्लाह दी रहमत दे नाल लड़ रही है इंशाल्लाह लड़ रही है लेकिन लड़ाना तुसी है तो इंशाल्लाह रहमान जिदो तुसा मुतहिद हो गए अल्लाह की रहमत नाल फिर दुनिया की कोई ताकत इस्लाम नुकसान नहीं पहुंचा सकती वह आखिर।